चाहे जहां चले जाइए, इनसे बच निकलना मुश्किल है। ये हर जगह आपको घेरने के लिए तैयार हैं। घर से बाहर ही नहीं, ये पूरे हक से आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देकर बेहिचक अपना सवाल करते हैं। इनको डराकर भी पैसा ऐंठना आता है। अपनी बेबसी, लाचारी और गरीबी का हवाला देकर ये आपसे पैसे ऐंठने में कामयाब हो जाते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप किसी जरूरी काम से जा रहे हो सकते हैं, आप किसी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में कहीं से बीच में कोई बेगर आता है और वो आपको इरिटेट करना, मजीद और ज्यादा इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है। आपको निशाना बनाने के इनके पैंतरे कुछ सदियों पुराने हैं तो कुछ नए नवेले। अपनी लाचारी का इजहार करके ये आप पर मानसिक दबाव डालते हैं। इन लोगों ने झूठ और फरेब का ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि जो सचमुच जरूरतमंद है उसको भी शक की निगाह से देखा जाता है। एक्चुअली ये जो ये डायलेमा है जिसके बीच में एक आम इंसान खुद को झूलते हुए पाता है, ये एक विकराल, एक बड़ी समस्या, एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आई है। दुनिया को मासूम और बेबस नजर आने वाले चेहरे का दूसरा रुख देखिए। जो पैसा आप तरस खाकर इनकी झोली में डालते हैं, क्या ये उससे दो वक्त की रोटी जुटाते हैं? जी नहीं। जो खौफनाक सच सामने आता है वो है नशा। नशे के लिए ले आते हैं, रोटी भी मांग के खाई मिल जाती है। उनको मालूम है नशे के लिए कमा लो और रोटी तो मिल ही जाएगी, और रोटी तो मिल ही जाएगी, कोई ना कोई खिलाई जाता। भीख और नशे का ये अजीब वो गरीब मकरजाल हैरान करने वाला है। नशा पूरा करता हूँ मैं, चरस भी पीता हूँ, स्कोकिन भी पीता हूँ, बोतल भी पीता हूँ, महंगा क्या घर बैठे हुआ सब आ रहा है। इनमें से ज्यादातर के लिए भीख मांगना एक पेशा है। भीख मांगने वाला चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द, सभी किसी ना किसी नशे की गिरफ्त में है। नशे ने इनको इतना आदी बना लिया है कि अपना खून भी पानी की तरह बेच रहे हैं। जो लोग नीचे हैं वो क्या करते हैं? खून बेचते हैं, खून बेचते हैं, खून अपना। भीख मांगना अब इनकी मजबूरी नहीं बल्कि कारोबार बन चुका है। हाँ, कमाता हूँ, अपनी बैंक के लिए कमाता हूँ, बैंक के लिए। एक ऐसा कारोबार जिसमें घाटा नहीं, सिर्फ दूसरों के जज्बात से खेलना और अपना मकसद पूरा करना। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिसको दो सिक्के देकर आप आगे बढ़ जाते हैं वो आपसे कहीं ज्यादा अमीर हो सकता है। 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए। मेरी पीतल की फैक्ट्री थी तो जगह की मुझे प्रॉब्लम हुआ करती थी। एक जगह घर मेरे बराबर में था तो मैं चाहता था कि मैं उसे खरीद लूँ। मैंने उनसे बात की, अब उसे भी ये मालूम था कि मेरी ज़रूरत की जगह है, तो जाहिर सी बात है मैं पैसा ज़्यादा दे सकता हूँ उसके लिए। बहरहाल मालिक से मेरी डील जो थी 8.5 लाख रुपए में तय हो गई रात को। अब मैं जब सुबह डील के लिए गया उसे लेकर, तो उसने मुझे मतलब मना कर दिया कि डील जो है कैंसिल हो गई आपकी, और मैंने किसी और से 9.5 लाख रुपए में डील कर दी है। उन्होंने जो मुझे बताया मैं सुन के चौंक गया, मुझे यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शाही मस्जिद के बाहर जो अंधे भिखारी खड़े होते हैं
उन्होंने मकान 9.5 लाख रुपए में मुझसे खरीद लिया और रात को कैश दे भी गया मुझे। न जाने कितने भीख मांगने वालों के पास लाखों करोड़ों की जमीन जायदाद और एक बड़ा बैंक बैलेंस है। जगह चाहिए थी इसलिए मैंने उनसे कहा कि खैर आपने ले लिया है तो आपने रात लिया है, मैं 10-20 हज़ार आपको ज़्यादा दे दूंगा, आप मकान नहीं देती क्योंकि वो मुझे ज़रूरत ज़्यादा है और मेरे काम में ज़्यादा आएगा आपसे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा दोगे, मेरे 3 मकान और उस पर मुझे 1-1 लाख रुपये ज़्यादा मिलना है, मैं वो नहीं बेच रहा, ये तो बिज़नेस है मेरा। तो अब मैं एकदम शॉक, अब मेरे दिमाग में उस वक्त सवाल ये आया कि भिखारी ये है, ये भिखारी मैं हूँ। इसमें से ज़्यादातर के लिए भीख मांगना एक पेशा है, कोई बचपन से तो कोई सालों से यही करता चला रहा है। कितने साल से आप मांग रहे हैं? हो गए 20 साल, 20 साल। और इसके चलते ये लोग खुद को बदलना ही नहीं चाहते। अजीब बात है कि इस धंधे में इन्हें किसी का डर नहीं। खूब प्रयास करते हैं, पीटते हैं, छीन लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तक कि पुलिस का डंडा भी इन्हें से मस नहीं करता, बल्कि पुलिस वाले भी इनकी ढिटाई के आगे बेबस दिखाई देते हैं। सरकार की तमाम नीतियाँ हों या एनजीओस की कोशिशें, सब इनके सामने नाकाम हैं। आज इन्हें पैसा देता है, गवर्नमेंट संस्था चलाती है, गवर्नमेंट इनके लिए नई नई पॉलिसीज लाती है, फिर भी ये घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। क्यों? इसलिए रहे, गवर्नमेंट देती है, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उस पैसे। ये लोग उससे कोई फायदा नहीं उठाना चाहते। मिल जाता है मांगने से तो क्यों करें मेहनत, यही है इनका पेशा और यही है इनकी आदत। तो पैसा उड़ा देते हो सब? जो उस उड़ाने में मजा है वो रखने में मजा नहीं है। ये हकीकत हमारे सामने कई सवाल खड़े करती है, इनका जवाब ढूंढने की सख्त जरूरत है। क्या सिर्फ पैसे देकर ही हम इनकी मदद कर सकते हैं? क्या मदद करने के नाम पर पैसा देकर हम इनकी भलाई कर रहे हैं? क्या समाज में नशे को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि हमारे पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है? मेरा काम है पैसे मांगना, आपका काम है देना, आप अपना काम करो, मुझे जो मांगना है मुझे मांग लेने दो। अपनी मजबूरी को बना लेते हैं अपना पेशा, ये तो इसी तरह जिएंगे आजकल और हमेशा।